हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 की न्यू अपडेट मॉडल के बारे में। कलर मेटालिक ब्लैक DLX। इस बाइक में इस साल टोटल चार न्यू अपडेट हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, LED टर्न इंडिकेटर, डुअल चैनल ABS और ऑरेंज कलर अलॉय व्हील। इस बाइक की एक शोरूम प्राइस है 1,69,850। स्पेशल थैंक्स टू ईस्टर्न ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर यामाहा बरहमपुर। बाइक की फ्रंट साइड में यहाँ पे हैं इसके दो रियर व्यू मिरर, फिर यहाँ पे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल अपडेट के साथ ब्लूटूथ कनेक्टेड मीटर कंसोल, फिर आप यहाँ पे पाओगे इस बार ये LED फ्लैशर जो न्यू अपडेट हैं, पुराने मॉडल में नहीं था। फिर यहाँ पे हैं इसके दो LED DRL और नीचे यहाँ पे हैं BI फंक्शनल क्लास LED हेडलैम्प जो बहुत ही तेज़ रोशनी देता है आपको हमेशा दिन हो या फिर रात। साइड से इसके डिज़ाइन में और लुक में कुछ भी न्यू अपडेट नहीं है। इस मॉडल की फ्रंट साइड सस्पेंशन में यहाँ पे हैं गोल्ड कलर अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स और दोस्तों ये बहुत ही मजबूत है, काफ़ी मोटा है ये पार्ट। साथ ही इस बाइक की फ्रंट साइड पे हेडलाइट के ठीक नीचे यहाँ पे आप पाओगे इसके नंबर प्लेट सेक्शन और यहाँ पे हैं फाइबर मेड फ्रंट मडगार्ड। बाइक की फ्रंट साइड में आप यहाँ पे पाओगे 282 mm की फ्रंट डिस्क, साथ ही इसमें है डुअल चैनल ABS इस बार। साथ ही आप इसमें पाओगे ऑरेंज कलर अलॉय व्हील और टायर सेक्शन में यहाँ पे है 100x80 17 इंच की ट्यूबलेस टायर। इस मॉडल की रियर साइड सस्पेंशन में है मोनोक्रॉस सस्पेंशन, साथ ही इसमें है एल्युमिनियम स्विंग आर्म जिसमें है मैट ब्लैक कलर फिनिश। साथ ही आप इस बार इस बाइक की रियर साइड में पाओगे 220 mm डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS अपडेट जो पुराने मॉडल में नहीं था। साथ ही इसमें आप पाओगे ऑरेंज कलर अलॉय व्हील जिसके ऊपर इसमें टायर सेक्शन है 140x70 रेडियल ट्यूबलेस वाइडर टायर। दोस्तों इस साल भी इस मॉडल में कुछ नया अपडेट नहीं है इसके डिज़ाइन में। तो टैंक डिज़ाइन इसमें सेम है, फुल फाइबर में टैंक है इसमें और ये जो टैंक काउल है देखिए इसमें जाली लगा हुआ है जैसे पिछले बार था। साथ ही इसमें ग्राफिक्स कलर और लोगो सेम है। दोस्तों इसमें जो पेट्रोल कैपेसिटी आप पाओगे 10 लीटर और माइलेज आप मान लो 47 किलोमीटर पर लीटर, अगर उससे ज़्यादा आप पाओ तो और भी अच्छा है, ठीक है। साथ ही इसमें आप पाओगे मेटल पेट्रोल लीड। तो दोस्तों कुछ ऐसा है देखने में और यहाँ पे थोड़ा सा टैंक पैड है लेकिन ये फुल फाइबर मेड है, तो बैठने के बाद आप इसमें एक बेहतर ग्रिप पाओगे। और आगे यहाँ पे है की ऑन टैंक। इस बाइक की इंजन सेक्शन में यहाँ पे हैं साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ की सेंसर, साथ ही आप इसमें पाओगे इंजन किल स्विच ऑन स्विच के साथ सेल्फ स्टार्ट। यहाँ पे है एक सिंगल हॉर्न और आप यहाँ पे पाओगे कूलेंट रेडिएटर। दोस्तों इस बाइक में किक नहीं है, साथ ही यहाँ पे आप पाओगे MT की लोगो। आइए अब इंजन के बारे में जानते हैं। 155 cc की डिस्प्लेसमेंट है इसमें, मैक्सिमम पावर 18.4 PS, मैक्सिमम टॉर्क 14.1 Nm, इसमें 6-speed गियरबॉक्स असिस्ट एंड स्लीपर क्लच के साथ विथ VVA। और दोस्तों इंजन के ठीक नीचे आप यहां पे पाओगे फाइबर मेड इंजन काउल। दोस्तों दरअसल MT-15 एक सिटी राइड यूनिट है तो इसीलिए इसमें है वाइड रॉड हैंडल बार जिसमें है ब्लैक कलर फिनिश और मिडिल सेक्शन में यहाँ पे कोई लोगो नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें जो हैंडल बार इंड है देखिए इसमें सिल्वर कलर है मेटल के साथ। ग्रिप में कोई बदलाव नहीं है, सेम है। इसमें स्लीपर क्लच है तो इसलिए काफ़ी सॉफ्ट है क्लच। इसमें है यहाँ पे हाई बीम लो बीम के साथ इंटीग्रेटेड पास बाय। नीचे आप यहाँ पे पाओगे इसकी हॉर्न स्विच और एकदम नीचे है इसमें साइड इंडिकेटर। दोस्तों इस मॉडल में हैजार्ड लाइट नहीं है। यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 की इस मीटर कंसोल में है ब्लूटूथ कनेक्टेड फीचर्स, साथ ही इस बार आप पाओगे ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल चैनल ABS के साथ शो गियर नंबर। तो ये कुछ न्यू अपडेट हैं इसमें और बाकी सब कुछ इसमें सेम है। इस मॉडल की राइट साइड हैंडल बार इंड में भी सेम डिज़ाइन है मेटल के साथ। थ्रॉटल ग्रिप में है क्विक रेस्पॉन्स, हैंड ऑपरेटेड ब्रेक इसमें सॉफ्ट है। इसमें इंजन किल स्विच ऑन स्विच के साथ है सेल्फ स्टार्ट स्विच। इस मॉडल की ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm, सीट हाइट 810 mm और कर्ब वेट 141 kg, तो बहुत ही लाइट वेट बाइक है। सीट यहाँ पे स्टेप अप तो नहीं है तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कर्ब है राइडर सेक्शन में। बैठने के बाद आप इसमें पाओगे एक बेहतर ग्रिप क्योंकि आगे की ओर देखिए काफ़ी नैरो है तो बेहतर ग्रिप आप पाओगे। पिलियन के लिए सीट ठीक नहीं है लेकिन राइडर के लिए सीट परफेक्ट है, तो मैं आपसे कहूंगा कि सोलो राइड यूनिट है दोस्तों सिटी राइड के लिए। साथ ही आप पीछे को यहाँ पे पाओगे रॉड ग्रैब बार दोनों ही तरफ, वो भी मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ, तो एक बेहतर सिटी राइड यूनिट है मेरे ख्याल से।
इस मॉडल की राइडर फुट ट्रेस एंकल गार्ड, इसमें सभी आप पाओगे एल्युमिनियम फिनिश मेटल के साथ। साथ ही इसमें जो गियर सेक्शन है, देखिए इसमें थोड़ा सा रबर है ताकि आपके शूज खराब ना हो। यहाँ पे देखिए पिलियन फुट ट्रेस में एक बेहतर डिज़ाइन है, इसमें भी आप एल्युमिनियम फिनिशिंग पाओगे वो भी मेटल के साथ। इस तरफ देखो, इस तरफ भी सेम डिज़ाइन है, और इसमें भी जो ब्रेक लीवर है देखिए इसमें भी थोड़ा सा रबर है, तो आपके शूज़ का भी ख्याल रखा गया है यहाँ पे। तो चलिए सुनते हैं अब इंजन साउंड, चाबी ऑन, यहाँ पे इंजन स्विच ऑन, और लगाते हैं इसमें सेल्फ स्टार्ट की स्विच। दोस्तों कानों में हेडफोन जरूर पहनेगा बेहतर साउंड सुनने के लिए, इसमें बहुत ही खूबसूरत सा बेस है। इसकी साइलेंसर में कोई भी न्यू अपडेट नहीं है, सेम डिज़ाइन है। MT15 की ब्रेक लाइट में कोई न्यू अपडेट नहीं है, वो ही सेम है जैसे पिछले साल था। इसकी जो साइड इंडिकेटर है इस साल इसमें अपडेट हो गया दोस्तों, अब इसमें है LED फ्लैशर्स। यहाँ पे है इसकी नंबर प्लेट लाइट और ये फुल फाइबर मेट स्मार्ट गार्ड। साथ ही यहाँ पे आप पाओगे फाइबर मेट रियर हगर। दोस्तों इस बाइक की रियर साइड में आप पाओगे फुल मेटल मेट साड़ी गार्ड, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी लेडीज फुट ट्रेस नहीं पाओगे। साथ ही इस मॉडल में है नेकेट चेन और फाइबर मेट चेन कवर। तो दोस्तों यहाँ तक ही था आज की ये फुल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इंडियन बाइक चैनल को। तो हम मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।